हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक। आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। आज है 28 सितंबर 2022। जितने भी क्वेश्चन आज के लिए इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो आपके सामने अभी कुछ ही मिनट के अंदर रखे जाएंगे। तो आज का थंबनेल जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसको भी अभी डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बाद, तो देखते रहिए। तो चलिए बिना लेट किए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर समय जरूर बदलता है। बिल्कुल, कि हर वक्त आपको क्या होना चाहिए, जीतने का जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए। आपकी किस्मत बदले ना बदले बट समय जरूर बदलता है, समय एक सा नहीं रहता है। आज आपकी कंडीशन कुछ और है, कुछ टाइम बाद आपकी कंडीशन कुछ और होगी। क्यों? क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के साथ ही आपके अंदर जुनून है, जोश है कि हम क्या करेंगे, अपनी लाइफ को जरूर बदलेंगे, जीतेंगे, जरूर बदलेंगे। तो इसी जोश के साथ, इसी उम्मीद के साथ लगे रहिए। आज नहीं तो कल किस्मत, आज नहीं तो कल आपकी किस्मत, आपका समय सब कुछ बदलेगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टार लगाइए। चर्चा में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र ऐप किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन मेघ चक्र जो है ये आपका किससे संबंधित है, ये आपका बाल यौन शोषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाल यौन शोषण से संबंधित है। और इसमें क्या किया गया है कि किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा। सीबीआई मतलब कि जो केंद्रीय जांच ब्यूरो है, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा ये अखिल भारतीय अभियान है, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा संचालित अखिल भारतीय अभियान है, इन्हीं के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। और ये किससे संबंधित है? बाल यौन शोषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाल यौन शोषण से ये संबंधित है। तो इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। मतलब अगर कहा जाए तो ये 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या किया गया है, तलाशी ली गई है और आरोप लगाया गया है कि बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक क्लाउड आधारित भंडारण का उपयोग करके बाल यौन शोषण सामग्री के ऑनलाइन संचालन, डाउनलोडिंग और प्रसारण में प्रसारण में शामिल थे। कि बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक जो थे, किस में? CSAM का मतलब होता है कि जो भारतीय नागरिक क्लाउड आधारित भंडारण का उपयोग करके इस बाल यौन शोषण सामग्री के ऑनलाइन संचलन में, डाउनलोडिंग में और प्रसारण में शामिल थे। अभी क्या हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन मेघ चक्र भी इसी से संबंधित है। और 2021 में क्या हुआ था, 2021 में सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन कार्बन नामक ऐसे ही एक अभ्यास का क्या किया गया था, संचालन किया गया था। कौन सा? ऑपरेशन कार्बन के नाम से, ऑपरेशन कार्बन। तो अगर पूछ लें कि ऑपरेशन मेघ चक्र और ऑपरेशन कार्बन किससे संबंधित है, तो दोनों आपका इसी से संबंधित है, बाल यौन शोषण से संबंधित है। अगर हम अपने पॉलिटी पर चलें और वहाँ पर देखा जाए कि संविधान में बच्चों को क्या अधिकार दिए गए हैं, तो हमारा संविधान जो है वो प्रत्येक बच्चे को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। किस आर्टिकल के तहत देता है? 21 के तहत सभी बच्चों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। और 21 ही क्या कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, निजता का अधिकार भी 21 के अंतर्गत ही आता है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका किस में आता है? 23-24 में आता है। तो इसी तरह क्या किया गया, गारंटी दी गई है किसके लिए? बच्चों को उनके अधिकार के लिए, सम्मान के साथ जीने के लिए। हर तरह से आपको अलग अलग आर्टिकल में क्या किया गया है, अधिकार दिया गया है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात करें तो यहाँ पे आर्टिकल 21 ए के तहत 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। वहीं अगर नीति निदेशक तत्व की बात करें, 39 का क्लॉज एफ है, तो उसमें ये बताता है कि राज्य पर एक दायित्व है, उनका कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि बच्चों को स्वतंत्रता और गरिमापूर्ण स्थिति में विकसित होने के क्या देता है, अवसर देता है। क्लियर? उनके बचपन युवावस्था में शोषण तथा नैतिक और भौतिक परित्याग के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया जाए, ऐसा हमारे 39 के एफ में किया गया है। तो अभी तो फिलहाल आपको बस इतना जानना है ऑपरेशन मेघ चक्र और ऑपरेशन कार्बन किससे संबंधित है, दोनों आपके बाल यौन शोषण से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब इसकी सामग्री, बाल यौन शोषण की से संबंधित जो सामग्री है उसको रोकना है। और ये क्या करते हैं, एक क्लाउड है उसी के अंदर डाउनलोड करना और रोकना, ये इसी से
संबंधित है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अगर ये पूछे कि ऑपरेशन आहट किससे संबंधित, थोड़ा रिविज़न पे चलते हैं, ऑपरेशन आहट किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन आहट जो है ये भी तस्करी रोकने के लिए स्टार्ट किया गया था। तस्करी रोकने के लिए ये क्या करता है, आरपीएफ के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चर्चा में रहा एक शब्द है नोरू और इयान, ये क्या है, नोरू और इयान क्या है, तो ये क्या है, चक्रवात है। इसको हम लोग बहुत डीपली डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छे समझने वाले हैं नोरू इयान को, तो चलिए समझ लेते हैं ये क्या है, ये चक्रवात है। लेकिन चक्रवात होते क्या है ये, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो ये नोरू जो है ये फिलीपींस में, कहाँ पर, फिलीपींस में आया हुआ है। फिलीपींस में ये चक्रवात आने के कारण यहाँ पे हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है, और इस चक्रवात के आने से यहाँ के जो पूर्वी द्वीप हैं, फिलीपींस का जो पूर्वी द्वीप है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है, और यहाँ 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और इससे क्या हो गया है, जो राजधानी है फिलीपींस की, राजधानी क्या है, मनीला है, तो वहाँ पे भूस्खलन, बाढ़ और चक्रवात, ये सारे इन सभी खतरों की क्या है, आशंका है। तो अगर चक्रवात नोरू की बात करें, तो इस वर्ष देखा जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया में देश में आने वाला सबसे शक्तिशाली चक्रवात माना जा रहा है नोरू को। अगर फिलीपींस का यहाँ नाम लिया, फिलीपींस की बात करें, तो फिलीपींस जो है दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। अभी लोकेशन मैप में दिखा दिया जाएगा कि ये दक्षिण पूर्व एशिया में, कहाँ पर, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित क्या है, एक देश है, और पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों के समूह से बने इस देश का आधिकारिक नाम क्या रखा गया, फिलीपींस। पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो स्थित द्वीप हैं, तो इन्हीं के समूह से बने इस देश का आधिकारिक नाम फिलीपींस गणतंत्र, और इसी की राजधानी क्या है, मनीला है। यानी इसके पूर्व में, इस फिलीपींस के पूर्व में फिलीपींस महासागर से, पश्चिम में दक्षिण चीन सागर से, और दक्षिण में सेलेबस सागर से ये क्या है, घिरा हुआ है। अगर बात करें इयान की, यहाँ आ जाते हैं सेकंड वाला इयान, अगर इसकी बात करें तो ये जो है क्विबा में, कहाँ पर, क्विबा। इयान जो है ये समुद्री चक्रवात यानी हरिकेन, इसको नाम, ये क्या है, हरिकेन। तो ये जो हरिकेन है, ये चक्रवात है, ये कहाँ पर, क्विबा में बहुत ही तेज़ से दस्तक दी हुई है, और ये उत्तर की तरफ अभी बढ़ रही है, मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए अमेरिकी राज्य जो है फ्लोरिडा के तट पर पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और इयान जो है ये वर्ग थ्री का चक्रवात है, इयान वर्ग थ्री का चक्रवात है, मतलब वर्ग थ्री का चक्रवात है, मतलब इसका क्या हुआ, तो वर्ग थ्री का चक्रवात उसे कहते हैं जिसमें क्या होती है, जो हवाओं की गति होती है वो कम से कम कितनी होती है, 205 किलोमीटर प्रति आवर होती है। वर्ग थ्री के चक्रवात उसे कहते हैं जहाँ पर जो हवा की गति होती है वो 205 किलोमीटर पर आवर होती है। क्लियर, अब इतना तो हम लोग समझ गए नोरू और इयान कहाँ है, नोरू कहाँ आया है, इयान कहाँ है, ये सारे हम लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। अब ये समझते हैं कि चक्रवात है क्या, साइक्लोन है क्या। तो चक्रवात जो है ये स्पेशली देखा जाए तो निम्न वायुदाब का क्या होता है, केंद्र होता है, जो केंद्र होगा वहाँ पर लो प्रेशर होता है, ठीक है, निम्न वायुदाब होता है, और इसके चारों ओर जो है वो सम वायुदाब रेखाएं संकेंद्रित रहती हैं, और परिधि की ओर यानी कि जो है बाहर की ओर उच्च वायुदाब रहता है, अंदर केंद्र की ओर जो रहेगा लो प्रेशर, और बाहर की ओर जो रहेगा वो हाई प्रेशर रहेगा, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, जिसके कारण जो हवाएँ होती हैं वो चक्रीय गति से, जो हवाएं होती हैं वो चक्रीय गति से परिधि से क्या होती है, केंद्र की ओर चलने लगती हैं, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर रहता है, केंद्र में क्या होता है, लो प्रेशर रहता है, और जो चक्रीय गति होती है वो बाहर से परिधि से केंद्र की ओर चलने लगती है, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी घूर्णन करती है तो इससे क्या होती है, इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के चलने की दिशा के क्या हो जाती है, वामावर्त कहने का मतलब विपरीत हो जाती है, और दक्षिण गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में हो जाती है। और चक्रवात प्रायः देखा जाता है तो गोलाकार, अंडाकार या वी आकार के होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है कि ये गोलाकार, अंडाकार या वी आकार के होते हैं। चक्रवात के अगर प्रकार की बात करें तो चक्रवात दो तरह के होते हैं, एक शीतोष्ण और दूसरा उष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो अगर बात करें शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की, तो इसकी उत्पत्ति जो है ये मध्य अक्षांश में होती है, कहाँ होती है, ये मध्य अक्षांश में होती है, और ये चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में केवल शीत ऋतु में ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर दक्षिण गोलार्ध की बात करें तो जलीय भाग अधिक होते हैं यहाँ, तो इसलिए ये गोलार्ध, मतलब ये चक्रवात जो है यहाँ पर वर्ष भर उत्पन्न होते रहते हैं,
इतना क्लियर हो गया होगा। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ये अंडाकार, गोलाकार, अर्धगोलाकार तथा वी आकार के होते हैं, जिसके कारण इन्हें क्या कहा जाता है, जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं इन्हें निम्न गर्त या ट्रफ कहते हैं, ये ध्यान रखना। और ये जो चक्रवात होते हैं शीतोष्ण वाले, ये 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। शीतोष्ण चक्रवात जो होते हैं 35 से 65 डिग्री अक्षांश के, ये ध्यान रखना है, 35 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। और इनकी जो गति होती है वो पछुआ पवन के कारण कैसी होती है, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर रहती है, और ये शीत ऋतु में ज़्यादा विकसित होती हैं। और ये होते क्यों हैं शीतोष्ण चक्रवात, तो इनकी जो उत्पत्ति होती है वो ठंडी और गर्म दो विपरीत गुणों वाली वायु राशि के क्या होते हैं, मिलने से इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। अगर देखा जाए शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का क्षेत्र कहाँ है, कहाँ पर ये आता है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर, जैसे उत्तरी अटलांटिक महासागर में हो गया, भूमध्य सागर में हो गया, उत्तरी प्रशांत महासागर में हो गया, चीन सागर हो गया, तो यहाँ सब क्या है, ये सारे उठते हैं। अगर हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें, शीतोष्ण हो गया, अब उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात की जाए तो ये कहाँ होता है, ये चक्रवात किसे कहते हैं, तो उष्णकटिबंधीय जैसे कि 5 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री से 30 डिग्री साउथ के बीच ये क्या होते हैं, ये चक्रवात उत्पन्न होते हैं, ये वाला ध्यान रखना, उसका 35 से 65 और इसका 5 से 30 नॉर्थ, 5 से 30 जो है साउथ, यहाँ उत्पन्न होता है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांशों वाले क्षेत्र में क्या होता है, क्यों यहाँ ऊपर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ इसमें कोरियालिस बल का क्या होता है, अभाव रहता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्र होते हैं यहाँ पे कोरियालिस बल बहुत ही न्यूनतम होता है, इसी कारण इन चक्रवातों का यहाँ पर क्या होता है, अभाव होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ आखिर क्यों नहीं होता है चक्रवात, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो कोरियालिस बल होता है वो बहुत ही न्यूनतम होता है, इस कारण यहाँ चक्रवात का क्या होता है, अभाव होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो बहुत अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था चक्रवात, जहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। दोनों का अक्षांश तो बहुत ही ज़्यादा पूछता है कि कहाँ से कहाँ के बीच आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 26 सितंबर 2022 को किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ टॉय कैथॉन नामक प्रतियोगिता लॉन्च की गई, क्या स्वच्छ टॉय कैथॉन नामक प्रतियोगिता लॉन्च की गई है, तो किसके द्वारा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ये क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है, क्या किसके द्वारा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस भारतीय लेखिका को हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है, तो इसको की गई है मीना कंडा स्वामी को, ये कहाँ की हैं, चेन्नई की रहने वाली हैं, इन्हीं को ये भारतीय लेखिका हैं, भारतीय लेखिका जब चेन्नई की हैं तो भारतीय होंगी, तो भारतीय लेखिका हैं, इनको ये पुरस्कार कहाँ दिए जाने की घोषणा की गई है, जर्मनी में, तो ये भी आपको ध्यान रखना, क्यों इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है हरमन केस्टन पुरस्कार, तो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने क्या किया है, जो लिंग जाति उत्पीड़न इन सभी का इन्होंने विरोध किया, इसी कारण इनको ये हरमन केस्टन पुरस्कार दिया जा रहा है, ये भारतीय लेखिका चेन्नई की है, मीना कंडा स्वामी को दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी, कौन, कहाँ की, इटली, कहाँ की बनने वाली है, इटली की राजधानी क्या है, रोम, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किस नदी के किनारे, टाइबर नदी के किनारे ये बसा है। और ये जो जॉर्जिया मेलोनी है, ये जो बन रही है प्रधानमंत्री, इनकी पार्टी का नाम, अगर इनकी पार्टी का नाम पूछे कि क्या है, वैसे पूछेगा नहीं बट बता दे रहे हैं कि ब्रदर्स ऑफ इटली, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डबल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो एकदम छाप ही लीजिए, क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट, जिसको डार्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको डार्ट कहते हैं, तो डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो चलिए विचार कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या कह रहा है डार्ट। तो यह एक परियोजना है जिसका नेतृत्व यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी कर रही है, ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल रहा है इसका नेतृत्व यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी कर रही है, तो ये स्टेटमेंट हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिशन में अंतरिक्ष यान को डिडीमोस
शुद्र ग्रह पर दुर्घटनाग्रस्त करना शामिल है। तो ठीक है, ये दुर्घटनाग्रस्त करना शामिल है, ये तो सही कह रहा है, लेकिन क्या नाम यही है डिडिमोस? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जा रहा, गलत हो जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा कौन सा स्टेटमेंट राइट है, तो आपके कोई भी राइट नहीं है, बोथ स्टेटमेंट्स और रॉन्ग, यानी दोनों गलत है। चलिए यहाँ दिया हुआ है, मैं बता दे रही हूँ, ये जो डार्ट मिशन है नासा का, ये यहाँ वहाँ क्वेश्चन में यूरोपीय अंतरिक्ष दिया था, तो यहाँ जो डार्ट मिशन है वो किसका है, नासा का है। तो ये नासा का जो डार्ट का फुल फॉर्म है डबल क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण। तो ये नासा का जो डार्ट क्षुद्रग्रह है ये किसमें दुर्घटना, यहाँ देखिए डिडी मोस लिखा है, डिडी मोस, लेकिन यहाँ पे किसको दुर्घटनाग्रस्त शामिल है, डिमोफोर्स को, डिमोफोर्स में सफलतापूर्वक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। और इस प्रभाव से क्या होगा, क्षुद्र ग्रह की जो कक्षा में बदलाव आएगा। नासा को यह निर्धारित करने में भले ही कुछ समय लगेंगे कि प्रभाव के कारण क्षुद्र ग्रह का पथ कितना बदल गया, तो इससे मैटर नहीं करता, लेकिन इनके लिए क्या है डार्ट मिशन, क्या है नासा का, नासा क्या परीक्षण करना चाहता है कि क्या धरती की तरफ आ रहे कोई खतरनाक एस्ट्रॉयड की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसा करने के लिए नासा इस तरह का पहला टेस्ट करने जा रही है। हर दिन रेफ्रिजरेटर से लेकर कार तक के छोटे बड़े कई एस्ट्रॉयड जो है हमारी धरती की तरफ, धरती की कक्षा में प्रवेश करते हैं, और इनमें से अधिकतर वायुमंडल के घर्षण के कारण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और अंतरिक्ष में ऐसे कई एस्ट्रॉयड अभी भी मौजूद हैं जिनसे धरती को खतरा है। तो इसी को चेक करने के लिए क्या किया है इसने, नासा ने ये स्टेप उठाया है। तो ये क्या है डार्ट मिशन, क्या है, तो ये क्या है कि जो खतरनाक एस्ट्रॉयड की दिशा में परिवर्तन किया जा सकता है, इसी के लिए इन्होंने ये किया है। और किसको दुर्घटनाग्रस्त क्या हो गया, डिमोफोर्स में सफलतापूर्वक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है जो इनका क्षुद्र ग्रह है नासा का। ये आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में था, इसीलिए मैंने यहाँ ले लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में की गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में की गई, यहाँ भी स्टार बनाइए, धर्मशाला घोषणा निम्न में से किस पहलू से संबंधित, धर्मशाला घोषणा किससे संबंधित है, तो धर्मशाला घोषणा जो है ये पर्यटन से संबंधित है। अभी क्या था 27 सितंबर, कल जो था, कल अभी मनाया गया है विश्व पर्यटन दिवस। क्या मनाया गया है, विश्व पर्यटन दिवस, 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी विश्व पर्यटन दिवस की, ये 1980 से हुई थी, 1980 से UNWTO के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा शुरुआत हुई थी 1980 में, और 27 सितंबर से ये मनाया जाना स्टार्ट हुआ था। अगर UNWTO की बात करें, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संघ की बात करें, तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, 1975 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो मैड्रिड कहाँ है, स्पेन में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए विश्व पर्यटन दिवस तो हम लोग देख लिए कि 27 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है कि इसका मेजबान देश कौन है, कौन इस बार इसकी मेजबानी कर रहा है। तो मेजबान जो देश है, जो जिसने की है, वो है इंडोनेशिया। कौन सा है, इंडोनेशिया। तो ये पूछा जा सकता है कि कौन मेजबान देश है, या फिर ये पूछा जा सकता है, या दोनों स्टेटमेंट दे करके पूछा जा सकता है कि बताइए इसकी थीम क्या है। तो अगर इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम है पर्यटन पर पुनर्विचार। क्या है, पर्यटन पर पुनर्विचार, इसकी जो थीम है वो है पर्यटन पर पुनर्विचार। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसी में क्या है, ये जो धर्मशाला, क्या क्वेश्चन था, धर्मशाला घोषणा जो है वो किससे संबंधित है, पर्यटन से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन, इसके बाद वाला भी क्वेश्चन बहुत ही ढांसू होने वाला, इंपॉर्टेंट है कि 27 सितंबर 2022 को किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप है, जलदूत। अब जलदूत लिखा है तो इसका मतलब ये है नहीं कि जल शक्ति मंत्रालय ने किया है, ऐसा नहीं है। तो ये ऐप, ये भी ध्यान रखना है, ऑप्शन में बैठा रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कौन किया है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया है। जलदूत ऐप जो है वो किसने स्टार्ट किया है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 27 सितंबर 2022 को क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। इसके संबंधित दैनिक जागरण में आर्टिकल निकला था, वो मैंने यहाँ लगा दिया है। इसको हम चलिए देख लेते हैं फटाफट कि भू जल संरक्षण अभियान के तहत, किसके, भू जल संरक्षण, भू जल जो है उसका संरक्षण करना है। इसी के तहत क्या करना है, जो मानसून सीजन से पहले या मानसून के लौट जाने के बाद जो जितने भी गाँव हैं, हर गाँव के कुएँ का जो कुएँ होते हैं, हर गांव के कुएँ का जो जल स्तर होता है उसको मापने का अभियान चलाया गया। और ये अभियान जो है वो क्या होगा, हर साल चलेगा। और इस अभियान में, इस योजना के लिए जो जलदूत
जो जलदूत ऐप है जो लॉन्च किया गया है, तो इस अभियान के लिए जो है मनरेगा की हेल्प ली जाएगी, मनरेगा की हेल्प ली जाएगी। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का जो डिजिटल ऐप है जलदूत, इसको क्या किया जाएगा, हर साल अपडेट किया जाएगा। तो ये किसके लिए है आपको ध्यान रखना, जल संरक्षण के लिए, भू जल संरक्षण के लिए है। और इस भू जल संरक्षण के तहत क्या किया जाएगा, जो कुएँ हैं कुएँ के जल स्तर को तय किया जाएगा, और उसमें किसकी हेल्प ली जाएगी, मनरेगा की हेल्प ली जाएगी। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। ये देखिए यहाँ मैंने दे दिया है और पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, आप लोग पूरा इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने कर दिया है और इतना आपको ध्यान रखना है, यानी जो मानसून से पहले या मानसून के बाद जो भी है, ठीक है, ये हर गांव के कुओं का क्या होगा, जल स्तर मापने के लिए अभियान चलाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग जल की बात कर ही रहे हैं तो ये बताइए, हर घर जिला वाला, हर घर जल वाला जिला कौन सा बना हुआ था, तो वो मध्य प्रदेश का क्या है, बुरहानपुर। हर घर जल वाला प्रमाणित जिला जो बना था मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। अगर ये पूछ ले हर घर जल वाला प्रमाणित जो राज्य है वो कौन सा बना है, तो गोवा। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर ये पूछ ले जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 25 दिसंबर 2019। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया है, तो किसे दिया गया, छत्तीसगढ़ को दिया गया है। मिलेट किसको कहते हैं, मोटे अनाज, जो मोटे अनाज होते हैं उन्हीं को मिलेट्स कहा जाता है। तो इसे कौन सा अवार्ड, मतलब पोषक अनाज अवार्ड 2022 किसे दिया गया, किस राज्य को दिया गया, छत्तीसगढ़ को दिया गया है। किस लिए दिया गया है, क्योंकि इसने क्या किया, जो मोटे अनाज है उसको बढ़ावा दिया है, तो इसको बढ़ावा देने के कारण ही इस राज्य को क्या किया गया है, ये अवार्ड दिया गया है। यहाँ के अगर सीएम की बात करें तो वो कौन है, भूपेश बघेल हैं। कौन है, भूपेश बघेल हैं। ये मोटे अनाज जैसे कुटकी, रागी, कोदो, ये सब क्या है, मोटे अनाज हैं, तो यानी MSP पर खरीद करने वाला पहला राज्य ये है। अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय मिलेट का, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे, कौन से वर्ष को घोषित किया गया, 2023 को, 2023 को मिलेट का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, किस राज्य ने राख का उपयोग करके, जिसका थंबनेल मैंने क्रिएट किया था, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि किस राज्य ने राख का उपयोग करके गैंडो के लिए एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया है, तो किसने बनाया है, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ये किया गया है। कौन से, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, काजीरंगा नेशनल पार्क में ये राख का यूज़ करके गैंडो के लिए अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नाम से एक स्मारक बनाया गया है। यहाँ पे आपको मैं फिगर दिखा दे रही हूँ, इमेज दिखा दे रही हूँ, ये देखिए, तीन गैंडे, 1, 2 एंड 3, तो तीन गैंडे की मूर्तियों वाले स्मारक का नाम ही रख दिया गया, क्या रख दिया गया, अबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स रखा गया है। इसमें एक नर गैंडा है, एक मादा गैंडा है और एक एक छोटा सा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर देखा जाए तो राइनो की जो मूर्तियां हैं उसको असम सरकार द्वारा लगभग, राइनो की मूर्तियों के लिए असम सरकार के द्वारा लगभग 2500 राइनो की सींग से एकत्र राख का उपयोग करके बनाया गया, 2500 राइनों के सींगों से एकत्र जो राख है उसको उपयोग करके बनाया गया। पिछले साल 22 सितंबर को जब ये 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस होता है, तो 22 सितंबर के अवसर पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो अवैध पकड़े गए राइनो हॉर्न को जला दिया गया था, उनके सींगों को क्या किया गया था, जला दिया गया था। और पिछले 40 सालों में जो एकत्र या जब्त किया गया था इन्हें, ठीक है, और इन जले हुए जो सींगों से क्या किया गया था, 128 केजी का राख का यूज़ करके इन मूर्तियों को बनाया गया है। और ये इन मूर्तियों की बात करें तो किसके द्वारा बनाया गया है, जो मूर्तिकार हैं बीजू दास उन्हीं के द्वारा इसको क्या किया गया, बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना बहुत है कि आपको इतना पता होना चाहिए। अगर स्मारक का अनावरण की बात करें कि अनावरण किसने किया, तो वहाँ के जो CM है हेमंत विश्वा शर्मा, उन्होंने किया है। और अगर इसकी अनुमानित लागत पूछा जाए कि कितना आया हुआ है, तो वैसे पूछा नहीं जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए 10 से 12 लाख रुपए इसमें आया। अगर हम काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें, काजीरंगा नेशनल पार्क में ये किया गया, तो अगर इसकी बात करें तो असम में ये स्थित है,
तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये एक सींग वाले गैंडों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी की मेजबानी करता है और यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट गोलाघाट और नागांव जिलों के किनारे पर स्थित है और 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में काजीरंगा नेशनल पार्क को क्या किया गया था, घोषित किया गया था। और स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट के अनुसार, जो अभी नवीनतम रिपोर्ट आई है स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो यह राष्ट्रीय उद्यान जो है 2613 गैंडों की क्या करता है, मेजबानी करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। चलते हैं फटाफट कल का रिवीजन करते हैं। 22 सितंबर 2022 को जानी मानी शख्सियत हिलेरी क्लिंटन का, हिलेरी मेंटल का निधन हो गया है। वे क्या थी, लेखिका थी। बाल विवाह ओलिवा को मिटाने के लिए पहल किस राज्य से संबंधित, ओलिवा जो है पहल है किससे संबंधित, ओडिशा। किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया, सिक्किम। रुपया व्यापार के लिए आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक यूको, नील कुरुंजी फूल। मैंने बताया था इस फूल में गंध नहीं होती है लेकिन इसका औषधीय महत्व, इसका उपयोग गठिया के उपचार में, यह गलत है स्टेटमेंट। नील कुरुंजी कुछ प्रजातियां बड़े पैमाने पर पाए जाने की घटना के उदाहरण है जिन्हें मास्टिंग कहा जाता है। बांस की प्रजातियों में भी इन्हें देखा जाता है। तमिलनाडु में रहने वाले पलियान आदिवासी लोग अपनी उम्र की गणना के लिए इसके संदर्भ में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सही है, ये 12 साल में एक बार खिलता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मॉन्कडिंग किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। जारी वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक 32 में कौन से पर, न्यूयॉर्क है, सेकंड पे लंदन है। किसे इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया, के राजा प्रसाद रेड्डी को। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, प्रयागराज यूपी और आंवला में, आंवला बरेली। तो ये भी ध्यान रखिएगा दोनों। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष भारत में अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है, 25 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा, पसंद आएगा तो प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।